इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं मधुमालती रंगून प्लांट के बारे में। इस समर का एक ब्यूटीफुल फ्लावरिंग प्लांट है, क्रीपर प्लांट है। इसकी ब्रांचेस काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग हो जाती हैं। ये मधुमालती प्लांट एक बेल की तरह ग्रो करता है और इस पर काफ़ी ज़्यादा ढेरों फ्लावर्स आते हैं बहुत ही सुंदर कलर के अंदर। इस प्लांट की दोस्तों हम केयर कैसे करें और कैसे हम इस प्लांट को जब नया परचेज करके लाते हैं तो किस प्रकार के सोयल मिक्स में हमें लगाना है, इसी के बारे में हमारी आज की वीडियो है। ये प्लांट्स दोस्तों मार्च अप्रैल से लेकर अक्टूबर नवंबर तक आसानी से फ्लावर्स देते रहते हैं। मैंने दोस्तों इस प्लांट को ऑनलाइन परचेज किया था और काफ़ी अच्छी पैकिंग के अंदर मुझे ये प्लांट मिला है। आप चाहें तो इस प्लांट को नर्सरी से काफ़ी सस्ते रेट पे 20 से 30 रुपए पर प्लांट के रेट से आप परचेज कर सकते हैं। कई बार हम जब प्लांट्स लेके आते हैं तो उनको एक प्लास्टिक की इस प्रकार की एक जाली के अंदर ग्रो किया होता है, तो जब भी आप इन्हें रिपोर्ट करें तो इस प्रकार की आप प्लास्टिक जाली को आप हटा दें ताकि जो रूट्स हैं वो प्रॉपरली पोट के अंदर अच्छे से ग्रो हो सकें। इस प्लांट की दोस्तों आप कंडीशन देख सकते हैं, काफ़ी हेल्दी प्लांट है ये और इसे कोकोपीट के अंदर ही ग्रो किया हुआ है। तो अगर आपके पास स्मॉल प्लांट है या फिर इस प्लांट की आपने कटिंग ग्रो करनी है तो उसके लिए बेस्ट मीडियम रहता है कोकोपीट, जिसके अंदर काफ़ी आसानी से इसकी जड़ें जो रूट्स हैं वो डेवलप हो जाती हैं। मधुमालती में दोस्तों एक इसकी ड्राफ वैरायटी भी आती है जिसकी ब्रांचेज काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग नहीं हो पाती, और जिस भी प्रकार के हमें सोयल मिक्स में इस प्लांट को लगाना है तो वो वेल ड्रेन हमें लेना है। उसके लिए मैंने 40% नॉर्मल गार्डन सोयल ली है, उसमें 30% के आसपास सैंड ऐड किया ताकि ड्रेनेज वाटर का अच्छा हो सके, पानी इसके अंदर बिल्कुल भी ना रुके, और बाकी इसके अंदर आप कोकोपीट ऐड कर सकते ताकि जो मॉइस्चर है इसके अंदर होल्ड हो सके। इस प्लांट को पॉट में लगाने से पहले आप उसकी जाली को आराम से निकालें ताकि इसके रूट्स डिस्टर्ब ना हो, और काफ़ी हेल्दी रूट्स भी आप इसकी देख सकते हैं। और सोयल मिक्स के अंदर आप हल्का सा खड्डा कर लें ताकि उसके अंदर आसानी से इसको आप फिट कर सकें, और आसपास का जो स्पेस है उसको आप हल्की हल्की सोयल से कवर कर दें, और इसके साइड में चारों ओर से आप पोटिंग सोयल को दबा भी दें ताकि ये प्लांट अपनी जगह से हिले ना जब हम इसे पानी दें। एक बार दोस्तों आप पॉट में लगाने के बाद इस प्लांट को अच्छे से पानी दें, उसके बाद दूसरी बार आपने पानी तभी देना जब टॉप सोयल आपको ड्राई लगे। जरूरत के अकॉर्डिंग ही आप इस प्लांट को पानी दें और ओवर वाटरिंग से परहेज करें। मधुमालती को आपने पूरे दिन भर की धूप के अंदर रखना है, डायरेक्ट सनलाइट इस इन प्लांट्स को काफ़ी अच्छी रहती है इनके अच्छी ग्रोथ के लिए और ज़्यादा फ्लावरिंग के लिए। इन्हें आप ऐसा फर्टिलाइज़र फीड ना करें जिसके अंदर नाइट्रोजन ज़्यादा हो, तो इसमें आप मंथ में एक बार वर्मी कंपोस्ट या फिर जो मस्टर्ड केक का पाउडर है वो आप इसे फीड कर सकते हैं। अच्छी फ्लावरिंग के लिए आप इसकी सोयल को एसिडिक करें और बनाना पील्स का जो लिक्विड फर्टिलाइज़र है उसका आप रेगुलर यूज़ करें, तो काफ़ी अच्छी ग्रोथ और ज़्यादा फ्लावरिंग आप इस प्लांट के अंदर ज़रूर देखेंगे।